जय श्री माता जी भैया. आफ्टर अ लॉन्ग गैप टुडे आई अटेंडेड द 9 PM मेडिटेशन. इट्स रियली अमेजिंग. जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट हुआ वैसे ही कुंडलनी ऊपर ऐसे अचानक आ गई, तो ससुराल में भी जैसा चैतन्य की लहरियों को अनुभूति हो गया. थोड़ा सा मेडिटेशन ऐसे स्टार्ट होते ही उसी वक्त मुझको ऐसा लगा कि कल सुबह भैया को कॉल करके जो ससुराल के ऊपर जो चक्रास है ना, चक्रास के बारे में मेडिटेशन करवाने के लिए बोलना पड़ेगा भैया को. ऐसा मुझे लगा, थोड़ा देर ऐसा लगा कि फिर वैसे निर्विचारता में मेडिटेशन में चले गए. जैसा एक एक चक्र से ऊपर उठकर आज जो 14 चक्रास का मेडिटेशन हो गया ना, तो वो विचार कैसे आया मुझे पता नहीं, बट इतना अच्छे अच्छे तरीके से आज का ये ससुराल के ऊपर जो चक्रों का मेडिटेशन हो गया ना, इट्स रियली वेरी अमेजिंग. इवन नाउ आई एम टेलिंग दिस एक्सपीरियंस, आई कैन फील द वाइब्रेशंस द अबव 14th चक्रा. लाइक इस ग्रुप को ऐसा स्टार्ट करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. रोज करना चाहते हैं मगर जब भी समय मिल रहे हैं करने की कोशिश कर रही है. इट्स रियली रियली यूजफुल टू ईच एंड एवरी वन. जय श्री माता जी. इतना अच्छा सा अवसर हम सबको देने देने के लिए.